उतने हमसे यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ या सबसे पहली न्यूज की तरफ सबसे फर्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है ओके okay. MIT प्रोफेसर बाल कृष्णन इन्होंने जीता रिसेंटली एक प्राइस जिसे हम कहते हैं मार्कोनी प्राइस तो 2023 का मार्कोनी प्राइस जो है वो एम आई टी के प्रोफेसर हरी बाल कृष्णन को रिसेंटली रिसीव हुआ है फर्स्ट ही न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है व्हाई बिकॉज़ आपका अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से संबंधित है तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हरिपाल कृष्णन इनको रिसेंटली 2023 का मार्कोनी प्राइस दिया गया है डॉक्टर बालकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस नासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये प्रोफेसर हैं ठीक है तो इन्हें रिसेंटली ये मार्कोनी प्राइस जो है वो मिला है मार्कोनी प्राइस है मैं बार-बार ना फंबल करने में मैकरोनी प्राइस कह देती हूँ इट इज मार्कोनी प्राइस ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये प्राइस आखिरकार दिया क्यों जाता है ये प्राइस है कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए टॉप ऑनर यानी कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसके लिए जो टॉप ऑनर है है वो ये कहा जाता और इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करी है कंप्यूटर साइंस में और इसीलिए इनकी इस कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर बाल कृष्णन रामा बाल कृष्णन को रिसेंटली मार्कोनी प्राइज 2023 दिया गया इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सब जानते हैं अवार्ड है और अवॉर्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्लियर है यहाँ तक ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम इसी के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इन्होंने प्रीवियसली इन्फोसिस प्राइस भी जीत रखा है साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो मार्कोनी प्राइस जो है वो टिम बर्नर ली को भी मिल चुका है गूगल के को फाउंडर सरगी बिन को भी मिल चुका है आर्थर सी क्लार्क को भी मिल चुका है यानी ये जो प्राइस है ये काफी ज्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट को ऑलरेडी इस फील्ड में दिया जा चुका है जो प्राइस अब मिला है डॉक्टर बाल रामकृष्णन को तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है 2023 का मार्कोनी प्राइस किसे मिला या फिर ये पूछा जा सकता है मार्कोनी प्राइस किस फील्ड में दिया जाता है दोनों ही तरीके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है डॉक्टर बाला कृष्ण क्लियर है Done है, okay, सारे वीडियो को और करना स्टार्ट कर दो। मैं क्लास कब होएगा uh, ये वाले वीक मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ बिकॉज मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ इसीलिए मैं मैराथन का प्रॉमिस नहीं कर सकती आप सबको अगर मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर से आपका मैराथन लूंगी लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ इस दैट्स वाई मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि अभी आपका मैराथन आ रहा है ठीक है ओके ओके okay. बढ़िया बढ़िया वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ स्टूडेंट्स जो जो हमारे क्लास में हैं सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे नेक्स्ट न्यूज क्या है मध्य प्रदेश को क्राउन किया गया सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियन तो मध्य प्रदेश जो है वो रिसेंटली तेरवा हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 जो कि काकीनाडा में हेल्ड हुआ काकीनाडा आंध्र प्रदेश पे हेल्ड हुआ उसमें मध्य प्रदेश जो है वो जीता और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को जिताया है 5 बाई 1 से इन द फिनाले ठीक है तो टॉप टू कौन रही है? रहे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रहे हैं मध्य प्रदेश जीत गया महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन में है फाइव बाई वन के स्कोर से हराया गया है बात करते हैं तेरवा हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप ये रिसेंटली कहां पर हेल्ड हुआ है इसका भी आंसर इसी स्लाइड में है तो रिसेंटली ये हेल्ड हुआ है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ठीक है तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में रिसेंटली ये हेल्ड हुआ है क्लियर है डर है ओके, okay. चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई है अगर तुम ध्यान से देखो हॉकी महाराष्ट्र हैज अ चांस टू विद जस्ट अ फ्यू सेकेंड लेफ्ट हैंड टू गोल आ, मतलब यहाँ पर रिजेंटली सारी चीजें लिखी हुई है कि किसने कितना स्कोर किया कोप टॉन स्नोडर रही है अगर हम नीचे की चार लाइन स्पेशली देख लेते हैं तो सोनल मिंज ये बेस्ट गोलकीपर जीती है जो कि हॉकी टीम झारखंड से बिलोंग करती है प्रतिभा आर्या ये बेस्ट डिफेंडर के लिए चुनी गई है जो कि मध्य प्रदेश की हॉकी टीम से बिलोंग करती है मानव श्री नरेंद्र शेजार ये बेस्ट मिडफील्डर चुनी गई है ये महाराष्ट्र की हॉकी टीम से है और अल्बेला रानी टोपो ये जो है बेस्ट फॉरवर्ड के लिए चुनी गई है जो कि हॉकी टीम झारखंड से बिलोंग करती है तो ये चार आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है ये चार नाम आपके लिए, लिए लिखे हैं अच्छा ये जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई है ये सारी डिटेल्स लिखी गई है कि किसने कितना स्कोर किया कौन कहाँ पर पहुंचा ठीक है अगेन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट अगेन इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दूंगी वहां पर आप जाकर रीड आउट कर सकते हो फिलहाल ये चार जो है वो टॉप स्कोरर रही हैं इसमें ठीक है सोनल मिंज प्रतिभा आर्या मानाश्री और अलबेरा राली क्लियर है ओके है कौन जीता याद रखोगे इम्पॉर्टेंट है इवेंट कहाँ पर हेल्ड हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है पूछा जा सकता है उसे भी याद रखिएगा क्लियर है डन है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एम जी बहुत बहुत शुक्रिया बस इसी तरीके से आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो को शेयर करते रहो तुम शेयर आप लोग अपनी तरफ से जब शेयर करोगे ना तभी हमसे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ेंगे ठीक है तो ये आप लोगों का काम है हम लोग तो सिर्फ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कंटेंट देते हैं और पढ़ाने का काम करते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है ध्यान से देखेगा लक्ष्मी नारायण किया गया एडिशनल जज कोर्ट का बहुत है है ये इनकी फोटो है, लक्ष्मी नारायण तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी रिसेंटली एडवोकेट वेंकटाचारी लक्ष्मी नारायण इन्हें एडिशनल जज अपॉइंट किया गया है मद्रास हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के के रिकमेंडेशन द्वारा ठीक है वेरी वेरी क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये न्यूज है अब इसी के बारे में यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि भाई इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कहां से कंप्लीट करी ये कब से आने वाले हैं इस पोस्ट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट इज कहा के हाई कोर्ट के जज चुने गए हैं एडिशनल जज के टॉप पे चुने गए हैं और दूसरा इम्पोर्टेंट थीज कौन मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज के फॉर्म पे चुना गया है और आप सब जानते हैं जज को अपॉइंट करना कुल्लेज सिस्टम का काम होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये सिलेक्शन किया गया है क्लियर है डन है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो ये आपका काम है आप जितना वीडियो को लाइक like और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ेंगे नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है प्लीज ध्यान से देखेगा पंकज कुमार जो है वो पहले डायरेक्टर बने ओ एन जी सी के ठीक है तो फर्स्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन ओ एन जी सी के बने हैं रिसेंटली पंकज कुमार ठीक है अब ओएनजीसी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार इसका आप लोग फुल फॉर्म अगर कमेंट सेक्शन में लिख दें तो बहुत बढ़िया होगा ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ठीक है अगर हम बात करते हैं ये जो है प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा दिया गया है पंकज कुमार जो है वो डायरेक्टर ऑफशोर की तरह काम कर रहे थे सितंबर 2021 तक इन्हें 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अब ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे ये बता सकते हैं कि ओएनजीसी के पास कौन सी कैटेगरी की कंपनी है ये मिनी रत्न कंपनी है महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको क्लास में हर एक चीज पढ़ाई है ठीक है इंडिया में जितनी भी कंपनी है जिनको जो भी स्टैटस मिल रखा है इनफैक्ट क्या होता है महारत क्या होता है मिनी होता है नवरत्न ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लियरली अच्छी तरीके से इनकेस अगर तुमने अभी तक इकोनॉमिक्स की वो वीडियोस नहीं देखी है तो गाइज जाओ और प्लीज देखो ठीक है तो गाइज यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात तो ओ कौन से स्टेटस की कंपनी है इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है अगर करंट में भी नहीं पूछा जाएगा तो स्टैटिक में पूछा जा सकता है इसके अलावा कौन फिलहाल चुने गए इसके एडिशनल डायरेक्टर uh, के रूप में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बिकॉज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं अपॉइंटमेंट आर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हमेशा क्या होती है इम्पोर्टेंट होती है क्लियर है डन है ओके okay, चलो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है पिंक बोल वार्ड resistant GM cotton gets green light for field trial in Haryana. Within months of approving new field trial for an array of genetically engineered crop, including mustard, potato, rubber in the country for the first time in the 16 years, Genetic Energy Engineering Appraisal Committee has approved confined field trial for pink bulwark resistance GM cotton in Hisar, Haryana. Takeo. अभी क्या हो रहा है हमारे टाइम पर जेनेटिकली वर्जन ऑफ क्रॉप्स एंड मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं यानी हमारे पास मस्टर्ड सीड्स अवेलेबल है पोटैटोस अवेलेबल है रबर अवेलेबल है लेकिन हम क्या कर रहे हैं अलग अलग तरीके के लैब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्हें जेनेटिकली इम्प्रूव कर रहे हैं जेनेटिकली इंप्रूव करने से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनहांस हो जाती है और हमें भी फायदा मिलता है जैसे कि पोटैटो की बात करते हैं तो जेनेटिकली इंप्रूव्ड वर्जन अगर आपने सुना होगा शुगर फ्री पोटैटो शुगर फ्री डायबिटिक पेशेंट के लिए भी पोटैटो की एक अलग किस्म जो है उगाई जाती है दैट इज जेनेटिकली इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ पोटैटो इसी तरीके से रिसेंटली जो है जो

हरियाणा में clear है आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अगर हम बात करते हैं पिंक बॉल वार्म कुछ इस तरीके का दिखता है एक तरीके से कीड़ा है जो कि जीएम कॉटन पर लगता है ठीक है और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है कॉटन का या कि कॉटन की फसलों को खराब कर देता है कॉटन की चीजों को खराब कर देता है इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पर लिखा है ये ओरिजिनली नेटिव है इंडिया का और नियरली अब हर एक कॉटन ग्रोन कंट्री में ये पाया जाता है और इससे रेजिस्टेंस के लिए अभी एक नया जेनेटिकली इंप्रूव्ड वर्जन जीएम कॉटन का इसका ट्रायल्स चल रहा था जिसको हरी झंडी दिखा दी गई है और ये ट्रायल्स कहाँ पर चल रहा था हरियाणा फील्ड में ये ट्रायल्स चल रहा था क्लियर है डन है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो भाई सारे के सारे स्टूडेंट गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो हाँ जी भाई आप सब वीडियो को लाइव और शेयर नहीं करोगे तो हमसे यहां स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे जल्दी से गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एवरीवन ओके आगे बढ़े थैंक यू राजेश थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है प्लीज ध्यान से देखिएगा एस ए अवार्ड दो हजार तेईस की हुन बिकम द फर्स्ट एशियन मेल टू विन द एस ए जी अवार्ड ठीक है अब यहाँ पर देखो 29th एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड ठीक है एसएजी यानी स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड जो है वो रिसेंटली हेल्ड हुआ है कहाँ पर फेयरमाउंट सेंचुरी प्लासा लॉस एंजेलिस में हेल्ड हुआ है और अगर हम बात करते हैं इस साल के बेस्ट एक्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस और एक्टर का खिताब किसे दिया हुआ है तो की हुए कौन को दिया हुआ है इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है वेमेंट वांग इनकी जो रोल है इनकी फिल्म एवरीथिंग थिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए तो ये इनकी फिल्म थी जिसमें इन्होंने वेमेंट वांग का रोल निभाया था की हुए कौन ये है एक्टर का नाम इन्हें मिला है द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फॉर देर परफॉर्मेंस ठीक है अच्छा स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड की इस साल ट्वेंटी नाइन्थ स्क्रीनिंग थी और ये कहा हुआ है इट है ये लॉस एंजलिस में हेल्ड हुआ है सारी चीजें इम्पोर्टेंट है अवार्ड कहा हुआ है बेस्ट एक्टर किसे मिला है किस रोल के लिए मिला है और किस फिल्म के लिए मिला है क्लियर है ख लो सारे के सारे स्टूडेंट डन ओके अब इसी के बारे में यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और लिखी है आप सब ध्यान से देख सकते हो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई इन्हें ये अवार्ड मिला इन्होंने और भी ड्रामा सीरीज पे काम किया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें ये है एक्टर की इमेज आप ये भी देख सकते हो ठीक है डन है कुल आगे बढ़ू मैं सॉरी हेलो मरोदिया जी बहुत देर से आए क्लास में क्या बात है भाई बहुत देर से आए क्लास में ओके नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है चलिए देखते हैं आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया जीनियस वायु लिंक प्लेटफॉर्म जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए ठीक है सॉरी तो इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली क्या कर रहा है अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है रिसेंटली नहीं बल्कि हर दिन इनकी कोशिश करनी जाती है कि ये लास्ट से ज़्यादा इम्प्रूवड वर्जन लेकर आए तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो रिसेंटली एक इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ आए जिसमें पायलट जो है वो बैड वेदर से डील कर सकते हैं और इनको प्रोवाइड किया जाएगा जैमर प्रूफ

किसी बुरी जगह पे पहुंच जाते हो जहां वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो क्या किया जाएगा तो उन वेदर कंडीशन में भी अपने बेस प्लेटफॉर्म से वाई बिकॉज वायु लिंक प्लेटफॉर्म जो है वो जैमर प्रूफ अन इंटरप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है क्लियर है ओके है ओके okay, बहुत बढ़िया अब देखो इसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है एडवांटेज का मैंने आपको बता दिया है किसी भी तरीके का बैड वेदर में सर्वाइव करने की ये क्या है अक्षमता रखता है ये इस्तेमाल करेगा आई आर NSS, IRNSS क्या है इंडियन रीजनल जैसे कि जीपीएस है ना वैसे इंडिया के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम तो IRNSS ये इस्तेमाल करके वायु लिंक जो है वो एक बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करेगा जो कि जामर प्रूफ होगा जो कि बैड वेदर में भी सरवाइव करने की क्षमता रखता है क्लियर है ओके okay है डन हां हांजी गाइस। आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज की तरफ भाई सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एवरीवन यार आपका काम है आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट न्यूज़ आ चुकी है स्क्रीन पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक नया लेयर अर्थ के इनर कोर पे बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है ध्यान से देखिएगा तो अ टीम ऑफ रिसर्चर्स ने रिसेंटली एविडेंस पाए हैं एक नई लेयर के जो कि Planet के इनर कोर के विदिन है यानी इनर कोर के भी अंदर एक नई नए... लेयर निकल के आई है रिसर्चर्स के द्वारा रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया है अब इसी के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अगर हम बात करते हैं तो रिसर्चर्स कहाँ के रहे हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो सीस्मिक वेव्स है जो कि अर्थक्वेक के द्वारा फॉर्मड होती है इन्होंने इसी का इस्तेमाल करके डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इनर कोर મે બી એક નઈ લેયર્સ કો દેખા હે ઠીક હે યે લેયર ક્યા હે સોલિડ હે હાઈ પ્રેશર કી વજહ સે ઓબવિયસલી હાઈ પ્રેશર કે કારણ યે ક્યા હે સોલિડ હે ડીપ વિધીન ધ અર્થ હે જો કી સ્ટોપ કરતી હે આયર્ન એલોય કો ફ્રોમ મિલ્ટિંગ ઠીક હે બાકી સાડી ચીજે યહા પર એક્સ્ટ્રા લખી હુઈ હે ઠીક હે ડન તો સબસે ઇનર કોર જો હોતા હે ના Uh, उससे भी डीप रिसेंटली ये एक लेयर जो है वो फॉर्मड करी गई है या फाउंड करी गई है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा क्लियर है डन है ओके okay, बहुत बढ़िया भाई गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो ये आपका काम है आप अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं जुड़ेंगे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं लेकिन लाइक और शेयर उतने नहीं हैं तो आपका काम है आप वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर से करते रहा करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जुड़े रहे ठीक है नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है ध्यान से देखिएगा केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका इन्होंने बिगिन किया पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे तो केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु के काउंटर पार्ट्स पे और कर्नाटका में पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे जो है वो स्टार्ट किया है वेस्टर्न घाट रीजन में ठीक है यानी ये सर्वे है क्या इस सर्वे में होने क्या वाला है तो ये सर्वे जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन जो एक एनजीओ है उसके द्वारा करा जा रहा है सर्वे होता क्या है तो ये है परफॉर्म किया जाता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को अवॉइड करने के लिए यानी वर्चुअल्स हमारे पास कितने मौजूद है कितने वल्चर्स फिलहाल मौजूद हैं अब इसका डेटा जो है वो क्या हो सकता है वो डबल भी हो सकता है भाई अगर हम बात करें तो वल्चर एक ऐसा कल्चर है या ऐसा जीव है जो कि हर जगह उड़ता रहता है तो देर आर वेरी मच चांसेस कि उसका डुप्लीकेशन भी मौजूद हो सकता है तो पहला पहलाइज सर्वे यानी वो सर्वे जिसमें डेटा जो है वो एक्चुअल होगा यानी कोई भी डबलिंग या ट्रिपलिंग नहीं होगी डेटा की तो पहला सिंक्रोनाइज्ड सर्वे ऑफ दी वल्चर ये ऑर्गेनाइज किया गया है तमिलनाडु और कर्नाटका के, के पार्ट्स में ठीक है वेस्टर्न घाट्स के अलॉन्ग क्लियर है डन है कैसे गिने वो उड़ जाए हाँ सही बात है लेकिन इनके पास खुद के तरीके होते हैं भाई कैसे किरे क्या इनके पास खुद के तरीके होते हैं अब क्या ही कह सकते हैं हम है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह पढ़े या हम नेक्स्ट न्यूज की तरह पढ़े हाँ या ना गाइस जल्दी से बोलो भाई कहा सारे स्टूडेंट मनीष राजेश मरोदिया जी हेलो गुड इवनिंग एवरी वन भाई आज बहुत सोए सोए बच्चे क्लास में मौजूद है क्या कर रहे हो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स का ये काम है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से किया करो ये आपका काम है आप जितना लाइक और शेयर करोगे वीडियो को उतने हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ेंगे दोपहर वाली क्लास में आपको स्टार्टिंग जीके के, के इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स कवर करवाए थे ना करवाए थे ना तो आज की क्लास में आपको ये कवर करवाया जा रहा है ठीक है ओके ओके डन है कूल okay, cool. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड न्यूज है आंध्रपर ऑफ द ट्वेंटी टू सज्जात जिंदल यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ऑनर्ड किया इंडियन इंडस्ट्रियल सज्जात सज्जान जिंदल को बेस्ट आंट्रप्रन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए ठीक है अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज आंट्रप्रन्योर ऑफ द ईयर 2022 आखिरकार किसे चुना गया है तो ये सुना गया है सज्जान जिंदल को किसके द्वारा ये ऑनर दिया गया है तो दिस ऑनर हैज बीन गिवन बाय हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे यूनियन पेट्रोल मिनिस्टर है अब सज्जन जी के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है एक बार आप सब ध्यान से प्लीज पढ़ लो सब के सब ओके इसी फंक्शन में बताया गया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो केपी सिंह को भी दिया गया है ठीक है अगर हम बात करते हैं सज्जन जिंदल तो वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिनका विजन और फॉरसाइट ने इस ग्रुप को काफी एक डिस्टिंक्ट प्लेस दिया है स्टील से माइनिंग एनर्जी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर में ठीक है तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंजीनियरिंग हैं कौन सज्जन जिंदल और इनको बस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है थ्री से ठीक है और इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केपी सिंह को मिला है जो कि डीएलएफ सिटी गुड़गांव के सेटअप के लिए स्पेशली जाने जाते हैं क्लियर है हाँ जी डेली डेली मॉक मॉक होगा मनीष तो होता ही है क्लास में डेली मॉक तो होता ही है क्लास में ओके okay. चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है एक बार देख लेते हैं क्या गिरीश चंद्र मुर्मू इनको सेलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनोवा में ठीक है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू रिसेंटली इनको एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जेनोवा में चार साल के पीरियड के लिए 2024 से लेकर 2027 तक के लिए ठीक है इंडिया के लिए अगेन इज अ वेरी प्राउड मोमेंट अगर हम आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये जो है वो करंट एक्सटर्नल ऑडिटर को रिप्लेस करेंगे जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फिलीपींस से बिलोंग करते हैं ठीक है डन है क्लियर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे रिसेंटली एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में लोकेटेड है तो ये इंडिया के क्या चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखिएगा ठीक है डन है यस yes no, भाई हाँ ना का जवाब दो सारे के सारे स्टूडेंट भाई प्लीज एवरी वन लाइक एंड शेयर द वीडियो ये आपका काम है प्लीज एवरी वन लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइज ओके okay, बढ़िया चलो नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है ठीक है ओके नेक्स्ट न्यूज इज ऑस्ट्रेलिया बीट साउथ अफ्रीका एट दी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम ने डिफीट किया साउथ अफ्रीकन टीम को आईसीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो कि 26 फरवरी संडे को हेल्ड हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्ल्ड कप जो कि टी ट्वेंटी वुमेन्स वर्ल्ड कप है और ये छब्बीस फरवरी को हेल्ड हुआ था ठीक है अब इसी के बारे में यहां पर सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है कितने रन से जीती है ऑस्ट्रेलियन टीम के चिर्ड होल्डर्स ठीक है न्यूज़ है आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है चलिए आखिरी में हम लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हमारे लिए लास्ट न्यूज है मारा ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल इनोग्रेशन बाय यूनियन मिनिस्टर रेणुका का ठीक है अब यहां पर न्यूज़ क्या है रेणुका ट्राइबल अफेयर्स की उन्होंने इनोग्रेट किया रिसेंटली सेरेमनी मारा ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल जो कि लुंगली मिजोरम में ओपन हुआ है तो लुंगली मिजोरम में मारा ट्राइबल गर्ल सेंचुरी जो है वो इनोग्रेट हुआ है किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है अगेन रेणुका के द्वारा इनगरेट किया गया है ठीक है ठीक डन ओके बस तो ये थे आज के सारी न्यूज आज की क्लास की सारी न्यूज मैंने आप सबको पढ़ा दी है अब हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास के क्वेश्चन से हाँ जी क्वेश्चन स्टार्ट करें सारे के सारे स्टूडेंट हाँ या ना का जवाब दो पहले ये बताओ कि आज के क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करें आप सबके साथ यस और नो ऑस्ट्रेलिया की सेवेंथ टाइटल है ना मैम यार ये तो मैं बता नहीं सकती एक बार देख लेना ठीक है क्रिकेट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं सातवां टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का मे बी इट्स द सेवेंथ टाइटल फॉर द वुमेन्स आईसीसी ट्वेंटी वुमेन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप तो एक बार ये चेक कर लेना ठीक है ओके okay. बहुत बढ़िया चलिए स्टार्ट करें हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वन द मार्कोनी प्राइस 2023 मार्कोनी प्राइस 2023 आखिरकार किसने जीता वी हैव फोर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बता सकते हो सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो मार्कोनी प्राइस 2023 आखिरकार इसमें से किसने जीता तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है मनीष दिया ए क्या बात कर रहे हो 2023 का मार्कोनी प्राइस बोल रही हूँ अरे भाई 2023 का मार्कोनी प्राइस पूछ रही हूँ सर टिम बर्नर ली सर्गी आर्थर सी क्लार्ट, इन तीनों को मिल चुका है मार्कोनी प्राइस ट्रू लेकिन 2023 का मार्कोनी प्राइस किसे मिला है तो 2023 का मार्कोनी प्राइस जो है वो हरि बाल कृष्णन को मिला है डी करेक्ट आंसर नॉट सी ठीक है तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी हरि बाल कृष्णन इज द करेक्ट आंसर क्लियर कूल। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करते जाओ मध्य प्रदेश रिसेंटली जीता सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कौन से स्टेट की टीम को हराकर महाराष्ट्र हरियाणा केरला या पंजाब किसे हराकर जीता है हाँ जी बता सकते हो भाई किस टीम को हराकर जीता है मध्य प्रदेश तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो मेरे पास एक आंसर आ चुका है महाराष्ट्र बाकी स्टूडेंट क्या आंसर दे रहे हैं मेरे पास एक आंसर आ चुका है महाराष्ट्र बाकी के स्टूडेंट्स क्या आंसर दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आंध्र प्रदेश तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाई मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हटाकर जीता आंध्र प्रदेश काकीनाडा में तो ये इवेंट हेल्ड हुआ था आंध्र प्रदेश काकीनाडा में तो ये इवेंट हेल्ड हुआ था गाइस क्या कर रहे हो नेक्स्ट one of the following has recently been appointed as the additional judge of the madras high court madras high court ke additional judge ke roop mein isme se kise appoint kiya gaya hai we have four option is question ka correct answer do city bhul gaye city to main bata rahi hu na koi baat nahi haan ji Madras High Court के additional judge के रूप में आखिरकार इसमें से किसे appoint किया गया है इस question का correct answer देना start करो जल्दी से सारे के सारे students ओके okay. मनीष ने आंसर दिया है सी वेंकटचारी लक्ष्मी नारायण ठीक है बिल्कुल सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी बिल्कुल सही कहा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली गिवन अप्रूवल टू पिंक बॉल वॉर्म रेजिस्टेंस जीएम कॉटन फॉर फील्ड ट्रायल कौन से स्टेट ने परमिशन दे दी है फील्ड ट्रायल के लिए उनके कॉटन फील्ड्स में ट्रायल होगा ये पिंक बॉल बॉम का हां जी कौन सा स्टेट ने परमिशन दे दी है बता सकते हो भाई आंसर देना स्टार्ट करो इजी क्वेश्चन है सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं ऑफ कोर्स हरियाणा इज द करेक्ट आंसर ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन मेल टू विन अ एस ए जी अवार्ड इन दो हजार तेईस चलो आंसर देना स्टार्ट करो फर्स्ट एशियन मेल टू विन द एस एजी अवार्ड दो हजार तेईस हिसार हरियाणा ट्रू बिल्कुल सही अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दो तो. जल्दी से तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं यस ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है की हुए क्वाइन इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली डेवलप्ड वायु लिंक जो है वो क्या है जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन है ड्रोन मैनेजमेंट सिस्टम है एग्रीकल्चर लिंकिंग टेक्नोलॉजी है या फिर बल्क मैसेजिंग लिंक है चलो बताओ अभी तो जस्ट पढ़ाई है ये वायु लिंक के बारे में डिटेल वायु लिंक क्या है करंट अभी इसी के बारे में तो आप सबको डिटेल पढ़ाई है व्हाट इज अ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वायुलिंक एक जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया है डेवलप किया गया है क्लियर है ओके ट्रू नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू लेयर ऑफ अर्थ इनर कोर अर्थ इनर कोर के एक नई लेयर डिस्कवर करने वाली कंट्री आखिरकार कौन सी है यूएसए ऑस्ट्रेलिया कैनेडा या फिर यूके हां जी जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू लेयर ऑफ अर्थ इनर कोर मैंने जस्ट अभी आपको बताया ना ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये डेवलप किया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन कि कौन से स्टेट में रिसेंटली बिगेन हुआ है द फर्स्ट सिंक्रोनाइज वर्ल्चर सर्वे वी हैव फोर ऑप्शन चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सिंक्रोनाइज्ड वर्ल्चर सर्वे इसमें से कौन से राज्य में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है हां जी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है सी आंसर दे रहे नहीं भाई सी नहीं केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश नो आंध्र प्रदेश केरला तमिलनाडु और कर्नाटका वेस्टर्न घाट के जो है 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 सर्वे स्टार्ट हुआ है। ठीक है? क्लियर है गाइस तो ये थी आज की आपकी क्लास उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको करंट अफेयर के समझ में और पसंद आई होगी आना सुबह आठ बजे आपका करंट अफेयर का सेशन लगता है आज आठ बजे हुआ रात में ठीक है लेकिन रोज आना सुबह आठ बजे आपका सीए का सेशन लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ये आपका काम है आप जितना सेशन को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर जुड़ेंगे ठीक है साथ ही साथ आप सबको पता है एमवाई वाइव एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको प्रोवाइड कर रही है आ, एक्सपीरियंस तो गाइड आप एप डाउनलोड कर सकते हो सारे के सारे स्टूडेंट और इस पर सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का फायदा उठा सकते हो साथ ही साथ लास्ट अगर पीडीएफ की, की नीड है तो पीडीएफ के लिए आप अचीव एंड रेलवे एग्जाम का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्लियर है डन है कोई बात नहीं मनीष थैंक यू सो मच थैंक यू राजेश थैंक यू एवरी वन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइज एवरी वन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की क्लास से जुड़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आप सब स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय एवरी वन टेक केयर गाइज